कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ के आए हो? कल आपने क्या पढ़ा था टॉपिक में? नेहरू जी की भूमिका। वेरी गुड। कोई बता सकता है कुछ निरपेक्षता क्या होती है? नहीं। चलो दिख रहा है क्या? नेहरू जी की भूमिका। आर्टिकल 51 किससे संबंधित था? आर्टिकल 51 किससे संबंधित था? मूल कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और आज पढ़ते हैं हम INA का गठन किसने किया था? INA का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी सुना है ना? नहीं याद आ रहा? अब कुछ याद आया? किसने किया था? सुभाष चंद्र सुभाष बोस ने। बोस। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? नाम NAM। नाम क्या है? अपना नाम मत बताना। मैंने MAME नहीं लिखा है, मैंने MAME लिखा है। NAM क्या है? गुट निरपेक्षता। वेरी गुड। क्या है? गुटनिरपेक्षता। तो यदि आपको ये पूछ ले, अब आपको ये ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में ही ऐसे आया था सवाल, नाम को स्पष्ट कीजिए। अब आउट ऑफ सिलेबस मत कर देना, है ना? अपना नाम बखान कर दिया हो, है ना? कोई राम है तो मैं रामायण का करेक्टर हूं, फलाना डिमकार, ये नहीं है। ये नाम कौन सा है? गुटनिरपेक्षता वाला है, ये ध्यान रखना है। जैसे UN किसे कहते हैं? UNO को किसे कहते हैं? तो यदि UN भी मिल जाए आपको, पढ़ेंगे अपन डिटेल से, अगर आपको लिखा हुआ क्या मिल जाए, UN, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है? UNO की ही बात कर रहा है। यदि मिल जाए नाम तो किसकी बात कर रहा है? गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा है। अब देखो नेहरू जी की भूमिका में कहां तक पहुंच गए थे? दलाई लामा तक पहुंच गए थे, है ना? और 1962 का युद्ध हुआ। चलो तिब्बत अधिग्रहण कब किया? 1950 1950 में किसने किया? चीन ने। चीन ने पंचशील का समझौता कब हुआ? अप्रैल 1954 और किस किस के मध्य? चीन चीन और भारत के मध्य। और भारत के मध्य। बहुत बढ़िया बात, है ना? अब देखो बेटा, एक बात अपने को यहां पर समझनी है। युद्ध तो अपन पूरा डिटेल से समझे ही समझेंगे, क्या था क्या नहीं था पूरा डिटेल से आगे आएगा। अपने को ये ध्यान रखना है कि 62 तक ऐसे क्या हालात हो गए कि जो भारत और चीन क्या कह रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। आप देखो कितना गजब का मामला हुआ है। एक तरफ तो हम क्या कह रहे हैं, हिंदी चीनी क्या कह रहे हैं, भाई भाई कह रहे हैं। देखो देश आजाद होता है 47 में, है ना? 50 में तिब्बत ले लेता है कौन? चीन। तब भी हम कुछ नहीं बोलते। 54 में क्या कर लेते हैं? पंचशील। क्या गजब का मामला है देखो, है ना?
और संबंध बढ़ते हैं और नारा क्या आता है, हिंदी चीनी भाई भाई, और मामला बढ़िया बढ़िया और 62 में युद्ध। ये बात समझ में नहीं आई, देखना 47 में आजाद हुए, दोनों देश बहुत बढ़िया थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा था। एक बात और, हम जानते हैं महाद्वीप वगैरह कितने, आप देख लेना, एशिया में हम हैं, कौन से में हैं हम, एशिया में हैं, कौन कौन, चीन और भारत दोनों। ये याद रखने वाली चीज है, सवाल बोर्ड ने पूछा हुआ है, चीन और भारत दोनों किस में है, एशिया में हैं। लेकिन अगर पूछ ले केवल भारत, क्या पूछ ले, अगर भारत पूछ ले तो भारत कौन से में है, दक्षिण एशिया में है, बस यही गड़बड़ करता है मामला, ठीक है। आज निकिता नहीं आई क्या, निकिता शर्मा, हाँ है निकिता बेटा, समझ में आया, यस सर। ये ध्यान से देखना बेटा, एशिया है ना पूरा है, जिसमें कौन कौन है, चीन और भारत दोनों। अगर सवाल पूछ रहे चीन भारत दोनों अवस्थित हैं तो किसमें है, एशिया में। अब दिशा कितनी, 4, ज्योग्राफी में 8 होती है, धर्मों में 10 होती है, है ना। हम जानते हैं ये लो दिशा, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण, 4 ये वो दो मान लो, और ऊपर नीचे की किसमें जो होती है, धर्मों में मानी जाती है, ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं। अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत कौन से में स्थित है, दक्षिण एशिया में है, भारत पाकिस्तान है ना, श्रीलंका वगैरह ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है, सवाल आ जाए फ्री वाली जगह पे लिख लो, काम आएगा। वैसे तो सार्क वाले चैप्टर में हम और पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ भी फ्री वाली जगह लिखो, भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में स्थित है, भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में स्थित है। तो भारत पूछ ले कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, दक्षिण एशिया में स्थित है। अब देखो सवाल क्या है, हम सब क्या कह रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई है सारा काम था, और अचानक 1962 में युद्ध, ये कारण अपने को देखना है। ये कारण समझ में आया तो अपना काफी कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो शीत युद्ध कब से कब तक था, 1945 से 1991। अब इसमें एक चरम बिंदु था, ये लाइन याद रखनी है, पढ़ेंगे अपन, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट को, लिख लो फ्री वाली जगह पे, क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्या था, उस वाली बुक में डिटेल पढ़ेंगे, है ना, शीत युद्ध वाली में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये था कब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 62 में। आई बात समझ में, शीत युद्ध कब से कब तक था, 45 से 91, और शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया, सवाल पूछा जाता है शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया, तो किसको कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट को कहा गया, और ये कब की घटना है, 1962। अब देखो यहां भी क्या है, 62, यहां भी क्या है, 1962। चीन ने दिमाग लगा लिया यहां पर, क्या लगाया कि आप जानते हो शीत युद्ध में पूरी दुनिया कितने भागों में थी, दो भागों में, पूरी दुनिया कितने भागों में, दो भागों में, साम्यवाद और पूंजीवाद। इसका मतलब ये एक प्रकार से विश्व युद्ध ही था, विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, कौन से समय, क्यूबा मिसाइल संकट के समय, और पूरी दुनिया का ध्यान कहाँ था, क्यूबा मिसाइल संकट पर था। इसका मतलब चीन ने यह जान लिया कि यदि मैं इस समय क्या कर दूं, युद्ध कर दूं, आक्रमण कर दूं, तो भारत की सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। बताओ किसके समझ में नहीं आई बात, बात समझ में आई। 62 ही क्यों चुना चीन ने, इसलिए चुना क्योंकि इस समय क्या चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। और इस संकट का फायदा किसने उठाया, चाइना ने। अब दूसरी चीज,
कि जब दोस्ती थी सारा काम था, पंसील थे, नेहरू थे, दोनों पड़ोसी देश थे, हिंदी चीनी भाई भाई थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये माओ के अनुयायी थे और माओ किसका समर्थक था? शक्ति का। किसका समर्थक था? शक्ति। और आप जानते हो शक्ति है लेकिन दिखानी पड़ती है कि नहीं है? गिरधारी जी सर चिपका देते हैं, इसीलिए सब लोग क्या है डिसिप्लिन में रहते हैं, और वो बहुत जरूरी है, होता है ना। अगर आपने शक्ति नहीं दिखाई तो आपके प्रभाव में क्या आएगी? कमी आएगी। ये शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम घर पे रहते हैं, माँ की बात नहीं सुनते, पिताजी के आते ऐसा लगता है दहशत का माहौल हो गया हो। क्या है पिताजी के पास? शक्ति। और इसका इस्तेमाल संडे वनडे को वो करते भी रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो शक्ति क्या है? प्रदर्शन करनी होती है। चीन ने यही किया। क्या किया? आगे बढ़कर आक्रमण किया, आगे बढ़कर क्या किया? आक्रमण किया, और फिर स्वयं ही शांति समझौता करता है, शांति की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शक्ति प्रदर्शन था। चीन का ये क्या था? शक्ति प्रदर्शन था। पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि एशिया का किंग केवल एक ही है और उसका नाम है चीन। भारत एशिया में कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, ये साबित कौन करना चाहता था? चीन। इसीलिए उसने आगे बढ़कर हमला किया। देखो युद्ध के भी तीन चार नियम होते हैं। आप युद्ध कर रहे हैं तो उस समय युद्ध करेंगे जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। पहला रास्ता बचता है बातचीत का, कि बातचीत हो, बातचीत से समाधान निकल जाए। नहीं हो तो फिर दबाव बनाया जाए, नहीं हो तो फिर अंतिम क्या बचता है? युद्ध। चीन ने युद्ध का रास्ता चुन लिया। युद्ध का रास्ता चुनने के बाद मामले को आगे बढ़ाया, और जब युद्ध होता है तो फिर कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। या तो शत्रु राजा हारेगा, या अधीनता स्वीकार करेगा, या झुकेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, या आप खुद युद्ध हार जाओगे। ना तो भारत ने युद्ध स्वीकार किया, ना हार स्वीकार की, ना चीन की कोई जीत का प्रमाण मिलता है। चीन ने खुद ही कहा कि हम शांति करना चाहते हैं, आक्रमण भी खुद ही किया और फिर शांति की बात भी खुद ही कर रहा है। इसका मतलब ये चीन का क्या था? शक्ति प्रदर्शन था। और इसके बाद 64 में फिर नेहरू जी का क्या हो गया? शांति काल, स्वर्गवास हो गया। ये तो एक पक्ष रहा नेहरू जी का। यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। यहां तक की घटनाक्रम में कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। मोनिका कोई सवाल है? ठीक है, नो, ठीक है। देखो यहां से सवाल क्या क्या बने। क्यूबा मिसाइल संकट कब था? 1962 में। चीन ने युद्ध का समय 1962 ही क्यों चुना? पूरी दुनिया का ध्यान कहां था? क्यूबा मिसाइल संकट पर। इसलिए आपसे एक सवाल और पूछेगा, लिख लो। 1962 का युद्ध, फ्री वाली जगह पे लिख लो, 1962 का युद्ध चीन के शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था। 1962 का युद्ध चीन के शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। चीन के शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। कर दोगे? चीन ने आगे बढ़कर क्या किया? हमला किया, फिर आगे बढ़कर ही शांति की बात भी कर ली। इसका मतलब ये था कि चीन केवल और केवल भारत को नीचा झुकाना चाहता था, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर यह साबित करना चाहता था कि भारत कोई शक्ति नहीं है, केवल और केवल एशिया में कौन है? चीन ही है। अब देखो नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता में भूमिका। ठीक है, नेहरू, नासिर,
टीटो वामेन कुमा ऐसे करके पांच लोग ये थे, एक मुझे याद नहीं आ रहा, नेहरू थे, नासिर थे, टीटो थे, वामेन क्रूमा थे, ऐसे करके पांच, अपने तो तीन ही मैन है ना, नासिर, टीटो और नेहरू। अपने उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? नेहरू। सवाल आ जाए, नेहरू सॉरी गुट निरपेक्षता के संस्थापक राष्ट्रों के नाम लिखो, तो भारत तो आएगा, घाना आएगा और ये वामेन क्रूमा घाना के हैं, इंडोनेशिया है, तीन नाम आप लिख लो, भारत, इंडोनेशिया और घाना, वैसे एक नाम भी चल जाएगा भारत, ठीक है। अब हुआ क्या कि गुटनिरपेक्षता आई क्यों? पहले तो परिभाषा देख लो, फिर ये देखते हैं आई क्यों। परिभाषा क्या है? किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, आप ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी गुटनिरपेक्षता की परिभाषा आएगी तो सैन्य गुट जरूर होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निर्गुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुट। गुटनिरपेक्षता कह लो, नाम कह लो, निर्गुट कह लो, एक ही बात है ना। किसी भी, इसको अंडरलाइन करके लिखना है, सैन्य गुट में शामिल ना होना या सैन्य संधि को ना अपनाना, ना अपनाना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो गुट बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। लड़कियों की बातचीत का जो समूह होता है उसे भी गुट कहते हैं, लड़कों के जो पंचायती का समूह होता है उसे भी गुट कहते हैं, घर पे कॉलोनी में जो महिलाओं का समूह होता है उसे भी गुट कहते हैं, टीचर्स के स्टाफ रूम में जो गुट बने होते हैं, टीचर बैठे होते हैं उनमें भी गुट होते हैं, है ना, राजनीति में भी गुट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना या सैन्य संधि को ना अपनाना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। अब इसमें यदि सैन्य गुट नहीं आया और आपने लिख दिया किसी भी गुट में शामिल ना होना, क्या कहलाता है? नाम निर्गुट या गुटनिरपेक्षता, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्या आंसर आएगा? किसी भी गुट में शामिल ना होना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। आंसर क्या आना चाहिए? सैन्य गुट होना चाहिए या सैनिक संधि होनी चाहिए। यदि इन दोनों में हम लोग शामिल नहीं होते हैं तभी मामला बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। अब देखो क्यों आया, ये दूसरा सवाल, ठीक है। पहला सवाल लिख लो, गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लिख लिया क्या बेटा? ये मिटा दूं? किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना या सैनिक संधि को ना अपनाना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता। अब देखो क्यों आया, क्यों? देखो एक तरफ तो कौन था? अमेरिका। एक तरफ कौन था? सोवियत संघ। और अगर ये तो किसी को याद नहीं है तो फिर तो क्या छोड़नी पड़ेगी? पॉलिटिकल साइंस छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका का क्या था? पूंजीवाद। इधर क्या था? साम्यवाद, ठीक है। पूंजीवादी गुटों ने एक सैनिक संगठन बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्वेश्चन में लिखवा देता हूं। सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। आपके ओबीटी में सवाल आया है ना, नाटो को स्पष्ट कीजिए।
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। सैन्य संगठन बनाया कौन से ने? अमेरिका ने। अमेरिका कौन सी व्यवस्था का था? पूंजीवाद का। आप मुझे बताएं पूंजीवाद विश्व के कौन से हिस्से का था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन से हिस्से का था? पूंजीवाद विश्व के कौन से हिस्से का था? कौन बताएगा? आशा, कोमल, साहिल, पश्चिम का। वेरी गुड संजय सिंह, बहुत बढ़िया बात। अब आप ये भी ध्यान रखना, ये जो विभाजन था ना अमेरिका और सोवियत संघ वाला, ये कहाँ का विभाजन था? यूरोप का। कहाँ का विभाजन था? यूरोप का। यूरोप को कितने भागों में बांटा गया? दो, एक तो कौन से में? पश्चिम में, और एक को कहाँ बांटा गया? पूर्वी भाग में। अब ये भी ध्यान रखना, यदि ये पूछ ले कि शीत युद्ध में पश्चिमी भाग को स्पष्ट कीजिए, या शीत युद्ध के समय पश्चिम के राष्ट्रों की क्या मांग थी, कौन सी अर्थव्यवस्था थी, कंफ्यूज होना ही नहीं, पश्चिम की बात हमेशा अमेरिका ही करेगा, ये ध्यान रखना। खूब बार सुना होगा पश्चिम की बात कर रहे हैं हम, तो पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, सब कहाँ है? पूंजीवादी है। अब ये भी रट लेना है कि जब भी पश्चिम की बात होगी किसकी बात होगी? अमेरिका की बात होगी। जब भी पूर्व की बात होगी किसकी बात होगी? सोवियत संघ की बात होगी। और ये जो बंटवारा हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब देखो आगे, पूंजीवादियों ने सैन्य संगठन बनाया कौन सा? नाटो। सवाल आता है कब बना था? 1949 में बना था। याद रखने लायक चीज है, नाटो क्या था? सैन्य संगठन था। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। कब बनाया? 1949 में। और कितने लोग थे? 12 देश सदस्य थे। सदस्य याद नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है। और इसका जो लीडर था वो कौन था? अमेरिका था। क्या था? सर्वोच्च या नेतृत्वकर्ता। अब यहां एक पंगा है वो और सुनो, है ना, पंगे पहले सुन ले सी है ना, उसी से सवाल बनता है। देखो पॉलिटिक्स सर्कल साइंस का एक राज बताता हूं, जहां भी जैसे मान लो यहां से आप चल रहे हो पूर्व 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 पूर्व, अचानक पश्चिम में जाना पड़ गया, सवाल वही आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। पॉलिटिकल का सवाल का सिस्टम ही यही है, जहां आप आज वही सवाल, अपन इस साइड चल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, अचानक यहां से घूम गए बस सवाल वही आएगा, यहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, अचानक टर्न हुआ सब कुछ। देखो नेतृत्व पूंजीवादी कर रहे हैं, अमेरिका लीडर है, अमेरिका नेतृत्व में नाटो बना, 49 में नाटो बना, और किसके बदला लेने के लिए बना? साम्यवाद से बदला लेने के लिए बना। तो एक बात तो क्लियर हुई कि साम्यवाद से बदला लेने के लिए क्या बनाया? नाटो संगठन बनाया। किसने बनाया? अमेरिका ने। अब ट्रन क्या है वो देखो, इन 12 देशों का नाटो में समान प्रतिनिधित्व है, ये याद रखना है। क्या है? समान प्रतिनिधित्व है। कैसे? चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा। WTO की तरह नहीं, विश्व बैंक की तरह नहीं, अमेरिका है तो ज्यादा शेयर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे छोटा हो या मोटा, 12 के 12 देश क्या होंगे? समान होंगे। और मजे की बात देखो, किसी एक पर भी हमला होता है, किसी एक पर भी हमला होता है तो 12 पर हमला माना जाएगा। बताओ, एक साथ पूरे के पूरे 12 के 12 आएंगे। इतनी बातें समझ में आई क्या? यहां से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ, क्लियर? हेडिंग बना लो या क्वेश्चन बना लो आप। देखो नाटो पे टिप्पणी लिखोगे तो लिख लिया, अगला सवाल आएगा नाटो कब बना, तथा ये किस महाशक्ति के नेतृत्व में बना,
नाटो कब बना, किस महाशक्ति के नेतृत्व में बना? तो 49 में बना और अमेरिका के नेतृत्व में बना नाटो। अगला सवाल, नाटो अमेरिका के सॉरी नाटो यूरोप के कौन से भाग का नेतृत्व करता था? नाटो यूरोप के कौन से भाग का नेतृत्व करता था? तथा किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था? नाटो यूरोप के किस भाग से संबंधित था तथा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित था? तो क्षेत्र तो आएगा पश्चिम यूरोप और पूंजीवाद से संबंधित था। अगला लिखो, नाटो के कुल सदस्य कितने थे? नाटो के कुल सदस्य कितने थे? 12। अब वर्तमान में 29-30 के आसपास है ना, तो वो तो नहीं पढ़ना अपने को, अपने तो अपनी किताब में दे रखे उतने ही पढ़ने। 12 सदस्य हैं सर। हाँ सर, थर्ड वाला क्वेश्चन वापस रिपीट करो। नाटो के कुल सदस्य कितने थे? नाटो के पहले वाला, इससे पहले वाला ठीक है। नाटो यूरोप के, नाटो यूरोप के कौन से क्षेत्र से संबंधित था? नाटो यूरोप के कौन से क्षेत्र से संबंधित था तथा किस प्रकार की व्यवस्था से जुड़ा था? तथा थैंक यू ठीक है, ठीक है सर। पूर्वी यूरोप से और पूंजीवाद से। अगला लिखो, नाटो सदस्य राष्ट्रों, नाटो सदस्य राष्ट्रों का नाटो में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व था? नाटो सदस्य राष्ट्रों का नाटो में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व था? कैसा था? समान प्रतिनिधित्व, एक पे हमला होता है तो सब पे हमला माना जाएगा। अब एक और सवाल लिख लो, नाटो के कौन से सदस्य परमाणु संपन्न थे? नाटो के कौन से सदस्य परमाणु संपन्न थे? बताओ कौन बताएगा, है कुछ आइडिया? एक तो यही है ठीक है, दूसरा ब्रिटेन, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड ठीक है, तीसरा फ्रांस। ये लो, क्या दिक्कत है इसमें? सवाल क्या था, नाटो के कितने सदस्य क्या थे? वीटोधारी थे, परमाणु शक्ति संपन्न थे, एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनके पास वीटो है ना, वीटो कितने राष्ट्रों के पास? 5। दो कौन से बचे? रूस और चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इनके पास क्या था? वीटो था। सदस्य किसके थे? नाटो के। अब देखो डर नहीं लग रहा क्या, कितने खतरनाक, ये तो बेचारा है ना गया काम से, ऐसे लग रहा है। अब देखो एक बात और, अब आ जाओ इधर, यहां से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ, बस ये खत्म है। इधर से, इधर से किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो बताओ। रश्मि? नो सर। ठीक है, देखो आप सवाल नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं, है ना। सवाल पूछने के लिए पूरी आजादी है, कितने भी सवाल पूछ सकते हो आप, लेकिन टॉपिक समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा अपने 40 मिनट का, ना पूरा टाइम वेस्ट है अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो। देखो साम्यवाद, अब सवाल देखो, मैच कहाँ कहाँ चल रहा था इन दोनों के मध्य? अरे चल रहा था कि नहीं चल रहा था, और नाम क्या था उसका? शीत युद्ध।
अभी निकिता ने बताया था 45 से 91 तक। अब देखो नाटो के बदले वारसा पैक्ट बनाया इन्होंने। सवाल लिख लो, नाटो के इवज में, नाटो के इवज में सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया? नाटो के बदले सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया? आंसर क्या आएगा? वारसा पैक्ट या वारसा संधि एक ही बात है। कब बनाया था? 1955 में। कब बनाया था? 1955 में। आ गया बेटा बात समझ में? अब देखो यहां कितने सदस्य थे, ये टूटा तो 15 भागों में, तो 15 ही माने जाते हैं। इसमें अपने को नहीं जाना, बस नाटो के सदस्य पूछता है, इसका कभी पूछता ही नहीं है। वैसे 15 है, अपने को ध्यान रखना हो तो। अब देखो दोनों में वार चल रहा है ना, एक बार कौन आ रहा है नाटो, एक बार कौन आ रहा है वारसा, और दोनों में पंगा चल रहा है तगड़ा, है ना। तो इसने क्या बना दिया, जैसे ही वारसा बना तो इसने दो चीजें और बना दी, एक तो बना दिया सीटो और एक बना दिया सेंटो। एक तो कौन सा बना दिया? सीटो। और एक कौन सा बना दिया? सेंटो। दोनों किसने बना दिए? इसी अमेरिका ने बना दिया। ये बात समझ में आई? अमेरिका ने क्या बनाया? नाटो। ठीक है, नाटो के बदले क्या बना? वारसा संधि बनी 55 में। फिर इनको लगने लगा कि मामला कमजोर हुआ, तो क्या बना? सीटो सेंटो। तो इसने क्या किया? खाड़ी देशों से संबंध जोड़े, खाड़ी देशों से संबंध जोड़े। इसमें बगदाद वगैरह ये हैं। अफगानिस्तान में भी बहुत समय सोवियत संघ रहा। अपने को समझ में आ रहा है क्या? दोनों बैलेंस करने की स्थिति को देख रहे हैं कि यहां क्या मामला हो रहा है, इसके एवज में ये काम कर रहा है। यानी कि एक उत्तर दे रहा है तो दूसरा प्रतिउत्तर दे रहा है, और दोनों में आपस में क्या चल रहा है? पंगा चल रहा है। शुरुआत किसने की? अमेरिका ने की। क्या बनाकर? नाटो बनाकर। नाटो कब बना था? 49 में। बदला किसने लिया? वारसा संधि के रूप में किसने? सोवियत संघ ने। कब लिया? 55 में। तो सवाल आता है, वारसा संधि या वारसा पैक्ट किसके एवज में बना था? किसके एवज में बना? नाटो के प्रतिरूप में। किसके रूप में बना? नाटो के बदले में ये बना था। फिर सीटो सेंटो कौन से ग्रुप के थे? अमेरिका ग्रुप के थे। इधर कौन से देश आए? खाड़ी देश आए। तो फिर से प्रतिद्वंदा चालू हो गई। अब बताओ भाई, पाकिस्तान कौन से ग्रुप में शामिल हुआ और भारत कौन से ग्रुप में शामिल हुआ? कौन बताएगा? पाकिस्तान कौन से ग्रुप में शामिल हुआ और भारत कौन से ग्रुप में शामिल हुआ? आ रहा है किसी को आंसर? चलो भारत का ही देख लो आप। तो भारत कौन से गुट में आया? दो गुट चल रहे हैं। और पाकिस्तान कौन से गुट में आया? नाटो में पांच। बहुत बढ़िया बात है ना। इधर आया पाकिस्तान। इधर कौन आ गया? पाकिस्तान। और भारत कहाँ आया? सोवियत संघ में। बिल्कुल बढ़िया बात। भारत कहाँ आया? गुटनिरपेक्षता में तो कहीं नहीं आया। भारत किसी संगठन में नहीं, पाकिस्तान किसमें आया? पूंजीवाद में।
इनमें शामिल हो गया सीटो सेंटो में। अब देखो जैसे ही पाकिस्तान सीटो सेंटो में शामिल हुआ सदस्य बना तो किसके पास आ गया ये अमेरिका के पास आ गया। अमेरिका के जैसे ही पास आया तो अमेरिका किसका दुश्मन बन गया और यही कारण है कि भारत के विरोध में अमेरिका की अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की सहायता करता रहा। सवाल आज के ओबीटी में भी था कि अमेरिका भारत का विरोध क्यों कर रहा था पाकिस्तान का क्यों समर्थन कर रहा था समझ में आई। अमेरिका इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान किसका सदस्य बन गया था पूंजीवाद का सदस्य बन गया था सीटो सेंटो की सदस्यता उसने ग्रहण कर ली थी और उसके कारण क्या हुआ कि जो भी पश्चिमी राष्ट्रों के सहयोगी राष्ट्र थे वे स्वतः ही इधर के दुश्मन बन गए। इधर वाले स्वतः ही किसके दुश्मन बन गए इधर वालों के। ये घटनाक्रम तो 45 से ही चल रहा था कि जो जो पूंजीवाद को अपनाएगा वो साम्यवाद का अपने आप ही दुश्मन बन गया और जो साम्यवाद को अपनाएगा वो पूंजीवाद का अपने आप ही क्या बन गया दुश्मन बने गया। इतनी बात तो अपन ने पहले ही सीख ली थी। अब भारत किसी गुट में था नहीं इसीलिए भारत का विरोध होने लग गया और अमेरिका सहित पाकिस्तान तो विरोध कर ही कर रहा था अमेरिका भी भारत का क्या करने लग गया विरोध करने लग गया। अब चीन कहाँ था चीन कौन से गुट में था ये था साम्यवादी। क्या था साम्यवादी। देखना कई बार नाम सुना होगा साम्यवादी चीन। क्रांति कौन सी हुई थी यहां जनवादी। याद रखने वाला सवाल है क्रांति कौन सी हुई थी चीन में जनवादी क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी माओ के नेतृत्व में। पार्टी कौन सी है कम्युनिस्ट। पार्टी कौन सी है चीन में कम्युनिस्ट और पार्टी कैसी व्यवस्था एक दलीय है आगे पीछे कोई रोने वाला ही नहीं है अकेले ही है कि नहीं है। तो चीन में कौन सी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था है। क्रांति कौन सी हुई जनवादी हुई। क्या पूछ रहे हैं जनवादी क्रांति कब हुई 49 में 49 में ठीक है हाँ माओ के नेतृत्व में ठीक है। देखो मामला कहाँ का है चीन का। साम्यवादी व्यवस्था थी तो ऑब्वियसली कौन से में जुड़ेगा सोवियत संघ में जुड़ेगा ठीक है। क्रांति कौन सी हुई जनवादी हुई कब हुई 49 में भी 49 में किसके नेतृत्व में माओ तुंगसी के नेतृत्व में। पार्टी कौन सी है कम्युनिस्ट पार्टी है और व्यवस्था कौन सी है एक दलीय है। ये वही माओ है जिसने कहा था बंदूक से ज्यादा हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बंदूक से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हाथ क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हैं। इसके बाद कल पढ़ेंगे आगे बांडुंग बेलग्रेड वगैरह सब पढ़ेंगे कल इतना जरूर ध्यान रखना है। बताओ कुछ पूछना हो तो क्लास खत्म हो गई है क्लियर।